नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज के तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं, और रुख करते हैं सबसे पहले बदायूं की तरफ, जहां चोरों ने मोबाइल की दुकान में हजारों का माल उड़ाया। जी हां, यूपी के बदायूं जिले में बिलसी थाना क्षेत्र के नरेनी चौराहे पर मोबाइल की दुकान में ताला तोड़कर चोर मोबाइल और लैपटॉप चुरा ले गए। बड़ी बात यह है कि चौराहे पर 24 घंटे दो थानों की पुलिस पहरा देती है। ऐसे में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने पुलिस की नाकामी और चोरों का मनोबल बढ़ा होने का संकेत देती है। क्षेत्र में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। देखिए उगहती सर्की से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। आज हम हैं बिलसी थाना क्षेत्र के नरेनी चौराहे पर, जहां पर रात में दुकानों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ग्राहक सेवा केंद्र नरेनी बदायूं, यहां पर रात में चोरों ने इस शटर से ताला तोड़ा, उसके बाद दुकान में अंदर घुसकर इनका काफ़ी सामान निकाला है। ये वो जगह है जहां दो दो थानों की पुलिस 24 घंटे अपनी ड्यूटी करती है, और ऐसे में अगर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा तो सुरक्षित जगह कौन सी रह पाएगी। कहते हैं कि योगी सरकार में चोर और गुंडे डर की वजह से पलायन कर जाते हैं, लेकिन फिर भी चोरी की लगातार वारदातें होती जा रही हैं। आखिर ऐसा क्या है कि पुलिस के रहते ही घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आइए जानकारी लेते हैं, ये दुकान मालिक हैं। क्या नाम है आपका? शिवपाल सिंह है मेरा नाम। कहाँ रहते हैं? नरेनी। तो आपको कैसे पता चला आपकी दुकान में चोरी? मैं आज सुबह आया था तो शटर खुला हुआ था और ताला पड़ा हुआ था। क्या क्या है आपकी दुकान में? एक लैपटॉप है, मोबाइल है, चाइनीज मोबाइल है, और पावर बैंक वगैरह है, अच्छे से हैं, सारे काम चला है। लगभग कितने का सामान गया होगा? तो आप 20-25 हज़ार। अच्छा, तो आप थाने में देती थी, शहरी देती है। जाँच तो किया? हाँ, आए थे दरोगा जी, आए थे। क्या क्या? हाँ, इंक्वायरी करके ले गए हैं क्या क्या सामान है। गांव खमरिया में लाइनमैन की लापरवाही। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खासरो थाना अंतर्गत गांव खमरिया में लाइनमैन की लापरवाही से ग्रामीण जनों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। देखिए खमरिया से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। विद्युत मंडल को 4 बार शिकायत कर चुके हैं सर, ये सामने वाले घर वाले, आप इनसे पूछ लीजिए। सर आप कुछ कहेंगे? आए दिन समस्या होती रहती है, जब देखो जब तार टूटते हैं, कभी रात में कभी सुबह होते, इधर नल पे बहुत सारे पानी भी भरते हैं, इनके ऊपर भी तार गिरते हैं, ना तो लाइनमैन सुनते हैं ना सुपरवाइजर सुनते हैं। इनको फोन लगाते हैं तो हेल्पर को भेज देते हैं, वो जबरदस्ती तार जोड़ के वापिस चले जाते हैं। सर आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? इसकी सुनवाई कोई भी नहीं कर रहा है। सार्वजनिक शौचालय का कार्य हुआ चालू। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र के तिघरा में सार्वजनिक शौचालय बनने से ग्रामीणों में खुशी। सरकार द्वारा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण चल रहा है, जो ग्रामीणों के लिए फायदेमंद होगा। ग्रामीणों ने शौच के लिए जंगल व बाग एवं झाड़ियों का सहारा नहीं लेंगे, अब सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करेंगे। शौचालय के बगल में पंचायत भवन है, जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। पंचायत भवन में शौचालय नहीं है, इस शौचालय से काफी लाभ होगा। देखिए खुटहन से शिवचंद्र यादव की रिपोर्ट। आवास और शौचालय के नाम पर लिया रिश्वत। जी हां, यूपी के बरेली जिला अंतर्गत दमखोदा ब्लॉक में सिंतारा में आवासों व शौचालय के नाम पर ग्राम प्रधान द्वारा ली गई रिश्वत। 5 साल की प्रधानी में नहीं हुआ गांव का विकास, ना ही मिला गरीबों को शौचालय, ना कोई आवास। गांव के खड़ंजे नालियां भी काफी पुरानी है। गांव वालों ने बताया कि गांव का प्रधान विकास नहीं कराते और बारिश में खड़ंजे के गड्ढे जरूर भर जाते हैं, जिससे गांव वालों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। प्रधान ने रिश्वत के तौर पर गांव वालों से 5,000 रुपए भी लिए हैं, जिसे आवास व शौचालय दिलाने के नाम पर किसी को भी कोई योजना का लाभ नहीं मिला।
गांव वालों ने शासन व प्रशासन से अपील की है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। देखिए बरेली से आरती की रिपोर्ट। बाकी आप मेरे को बताना कि मैं पूछूंगी शौचालय वगैरह का, मुझे नहीं लेना है, मेरी आईडी को लेना है, इन्हें दे दो आईडी अपनी दिखाओ ऊपर। बोल रही हूँ, क्या नाम है आपका? रघु है जी। आपकी क्या समस्या है प्रधान जी को लेकर? कोई समस्या, लैट्रीन भी नहीं बनी है हमारी, ना रोड बहुत खराब है हमारा, टूटा हुआ है रोड। शौचालय नहीं बनवाया? ना नहीं बनवाया है। और कोई आवास वगैरह? कोई नहीं करवाया है। खरंजा का विकास कैसा है यहाँ? खरंजा हमारी तरफ करवाया ना, तो मोरियों में करवाया थोड़ा काम उसमें। आपके इधर नहीं पड़वाया? नहीं पड़वाया है। अच्छा, और कोई ऐसे पेंशन वगैरह आपके घर में कोई अवैध ऐसा साठ साल हो पेंशन वगैरह? किसी की नहीं मिल रही है जी, नहीं मिल रही है। अच्छा, और कोई समस्या है आपकी? और क्या समस्या, हम तो उसके लिए जाते नहीं है, वो सुनता नहीं है हमारी। आप शिकायत करने जाते हो? शिकायत क्या, वो कहता है हमारा ही नहीं हो रहा, तुम्हारा क्या करवा। अच्छा, सुनते नहीं है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? नन्नी देवी। हाँ, आपकी क्या समस्या है प्रधान को लेके? कुछ नहीं है। कोई समस्या नहीं है? पेंशन वगैरह कोई बनवाई? कुछ नहीं। कुछ नहीं बनवाई? और आवास वगैरह? कुछ नहीं। और ये शौचालय? कुछ नहीं। कुछ नहीं बनवाया? आप जब कहते हो कि हमारा शौचालय वगैरह बनवा दो तो क्या कहते हैं? मीना करते हैं, सुनती है ना। क्या कहते हैं? कुछ ना बोलते नहीं कि भाई, जब कहते हम बनवाएंगे बनवाएंगे तो सुनते हैं। क्या नाम प्रधान जी का? क्या नाम है? क्या नाम? नाम अबरार। इमरान लड़के को नाम है और अबरार। प्रधान कौन है? प्रधान अबरार। अबरार है उसकी बात। तो सोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं बनवा रहे? अच्छा ठीक। मतलब बच्चों मैं दिखा रहा हूँ, दिखाओ, दिखा दो, दिखा दो। गली में तो पता ना कौन सा मैं करूँ। ये तो सफाई सड़क जारी के लिए न्यायालय ने भगा दिया, वो बेचारा इतना अच्छा काम करता था, वो बाहर लाठू पर बैठा रहा। सब पीच और आगे के, पीच और आगे बहुत पीच है, विकास तो लगना है। और आगे देखना रास्ता लिखा मिलेगा। विधायक जी ने डलवा दिया रोड थोड़ा। तो हमने बहुत कसम बनी है, हमारे साथ पेंटिंग मसाले पौसी बनी थी, हमने बनवाई पता नहीं आता उन्हें, पता नहीं चला रहे। अरे लोग तेरे पढ़े लिखे होंगे ना, पता नहीं चला रहा है अपना अपना। हमारे उधर सरकार नहीं करो, आगे बैठा अपने घर में तो घुस कर। पैसे मांग रहे हैं प्रधान जी? हाँ, काम कराने के। कमरा बनवाने मांग रहे थे 10,000 रुपए, कितने दिए दिए थे? कितने रुपए दिए थे आपने? कितने दिए थे? अरे 5,000 रुपए। 5,000 रुपए प्रधान जी को कमरे बनवाने के? अरे जहाँ था दलाली हो रही है, जहाँ था लोग मांग रहे हैं, कह रहा कुछ भी नहीं आया। 5,000 रुपए देने के बाद प्रधान जी ने कोई कार्य नहीं करा? अरे हमारी लैटरी तक रहेगी, कहाँ की रहेगी? अंदर घुस जाओ देख लो, लैटरिन तक नहीं देखियो, इधर देखो बन जाओ उसका क्या जाओ। पैसे नहीं आते हैं, कितनी बुरी हालत है इसकी रोड की, जो हिंजल पर निकाल वो है कर रही, तो कहता है पैसे ही नहीं आ रहे, कहाँ से करवाऊं? ना जी करवाइए उसने, ना कुछ पहले पहले ही और उसने मास्क का किया गया फ्री वितरण। जी हाँ, यूपी के हरदोई जिले के रेलवे गंज पुलिस चौकी के पास से रोजाना हजारों की संख्या में हमारे गरीब मजदूर भाई इकट्ठे होते हैं,
जहां से वह अपने काम के लिए जाते हैं। शिवांशु सिंह फास्टनर्स इंडिया के एरिया इंचार्ज द्वारा 500 मास्क का वितरण किया गया तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ इस मौके पर रेलवे गन चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल आदि लोग मौजूद रहे। देखिए महुईपुरी से शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। जिले के रेलवेगंज चौकी पर कल की डेट में 500 मार्क्स का वितरण किया, जिसमें काफ़ी हमारे मजदूर भाई जो कि वहाँ पे एकत्रित रहते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सलाह दी और अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखे हैं और कोविड 19 से अधिक से अधिक बचने का प्रयास करें, इस तरह उनको जो बताया और 500 मार्क्स का वितरण किया। खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा, आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।